In this lecture, we will learn about the life processes, okay? तो life processes क्या क्या होते हैं? Life processes का मतलब क्या है? Life processes का मतलब है कोई भी living organisms जिंदा रहने के लिए जो जो functions, basic functions perform करते हैं और अपनी life को maintain करने के लिए इस earth पे, उन सब को मिला के हम life processes बोलते हैं. जैसे कि nutrition, खाना खाना, खाने को पचाना मतलब digest करना, respiration, transportation, ट्रांसपोर्टेशन मतलब उस खाने को पूरी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाना, और रेस्पिरेशन मतलब उस फूड से एनर्जी का कन्वर्जन. तो ये सारे के सारे वो फंक्शंस हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए करने पड़ते हैं. तो सबसे पहले बात आती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं आपके दो तरीके के होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स. ओके, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं. उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, मतलब उनके क्या क्या गुण होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करें पहले करेक्टरिस्टिक के बारे में, दे कैन मूव बाय देमसेल्फ, वो अपने आप से मूव कर सकते हैं. ओके, जैसे कोई भी एनिमल है वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. लेकिन क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स तो मूव कर ही नहीं सकते, लेकिन और करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट फॉलो करते हैं, जैसे नीड फूड, एयर एंड वाटर. हर प्लांट को और हर एनिमल को जिंदा रहने के लिए फूड, एयर और वाटर की जरूरत रहती है. तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आपके करेक्टरिस्टिक्स हो गए. दे कैन ग्रो, दे आर सेंसिटिव, एक्सटर्नल जितने भी आपके मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस से वो सेंसिटिव होते हैं. रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जो भी वेस्ट मटीरियल होता है उसको एक्सक्रीट करते हैं. तो ये करेक्टरिस्टिक आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं. अब आते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये सब काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. अब एनर्जी कहाँ से मिलती है, अपने न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलती है. तो न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है उस पर बात करते हैं. तो पहला पॉइंट है, एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस. सबको पता है कि लाइफ प्रोसेस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी मिलती है आपकी न्यूट्रिशन से मतलब फूड से. अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिशन के सोर्सेज होते हैं. वो दो तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं. पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. नाम से ही पता चल रहा है ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक का मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो फूड होता है वो खुद को बनाना पड़ता है. जैसे प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप से खाना नहीं बना पाते, लेकिन दूसरे किसी भी एनिमल या प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड लेने के लिए. तो जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनके अंदर भी तीन कैटेगरीज आती है, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेप्रोट्रॉपिक? देखो, हेटरोट्रॉप का मतलब है दूसरे से खाना लेना. तो सेप्रोट्रॉप का मतलब है कि सेप्रो का मतलब होता है रोटन, रोटन मतलब सड़ा हुआ. तो जो दूसरे से खाना लेना वो भी कहाँ से, सड़ी हुई चीजों से, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक. ये हेटरोट्रॉपिक का एक पार्ट है. इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मशरूम. जो मशरूम होता है वो किसी भी रोटन या फिर सड़ी हुई चीज पे उगता है, ठीक है, तो वो उससे न्यूट्रिशन लेता है. तो ये हेटरोट्रॉपिक के भी सेप्रोट्रॉपिक का पार्ट है. तो सेप्रोट्रॉपिक का मतलब हो गया कि किसी सड़ी हुई चीज से खाना लेना. दूसरा होता है पैरासिटिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासिटिक? पैरासिटिक इज ऑल्सो अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक का ही पार्ट है पैरासिटिक. इसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट बनाता है. अब इसको इजी लैंग्वेज में समझे, होस्ट बनाने का मतलब है उसकी बॉडी के अंदर रहता है, लेकिन ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर रहता है उसको मारता नहीं है, और उससे क्या करता है, ये फूड लेता है, न्यूट्रिशन लेता है. इसके एग्जाम्पल है, प्लांट का एग्जाम्पल है अमरबेल. दूसरा एग्जाम्पल है आपका राउंड वर्म्स. जो अमरबेल होती है वो एक ऐसी बेल होती है, बेल मतलब कि क्लाइंबर्स, जो एक प्लांट के ऊपर छा जाती है. अब प्लांट के ऊपर छाएगी तो जिस प्लांट के ऊपर वो छा गई उससे वो क्या करेगी, उसका खुद का कोई रूट नहीं होता है, और जिससे जिसके ऊपर वो प्लांट के ऊपर है उससे वो क्या लेगी, न्यूट्रिशन लेगी. तो ये एक एग्जांपल हो गया पैरासिटिक का. राउंड वर्म किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है और वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारता नहीं है, लेकिन उसको होस्ट बनाता है और उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है. तो होस्ट कौन हो गया, जिसकी बॉडी में ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले रहते हैं. आगे चलते हैं होलोजोइक. ये एक हेटरोट्रॉपिक का पार्ट है. इसमें आने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स सॉलिड फॉर्म में फूड को लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग, हम एक होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक के होलोजोइक पार्ट है, और हम एनिमल्स को मार के या फिर प्लांट्स को किल करके हम खाते हैं, और हम सॉलिड फॉर्म में फूड को कंज्यूम करते हैं. अब आगे चलते हैं. तो सबसे पहले ये तो हो गया पार्ट. अब हम डिटेल में पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन. डिटेल में देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है. प्लांट
के अंदर जो न्यूट्रिशन लिया जाता है तो प्लांट ऑटोट्रॉप में आता है, हमने देखा। अब प्लांट के किस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप से खाना बनाएगा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लांट को हम देते क्या हैं, हम और एनवायरनमेंट। तो प्लांट को एनवायरनमेंट से सनलाइट मिलती है और हम एक्सहेल करते हैं, मतलब हम अपनी नाक से छोड़ते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीजें तो हम देते हैं। तीसरा हम वाटर देते हैं, एनवायरनमेंट उसको वाटर देता है। तो तीन चीजें मिलके, अब इन तीनों की हेल्प से प्लांट बनाएगा अपना खाना। तो तीनों चीजों को मिला के प्लांट ने बनाया क्या, ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन गैस। फॉर एग्जाम्पल CO2 जो हमने दी, H2O जो हमने दिया, और लाइट जो सनलाइट से मिली क्लोरोफिल की प्रेजेंट में। अब ये प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि हर प्लांट के लीफ में पाया जाता है, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या खाना बोल दो इसको, और ऑक्सीजन जो कि बाहर एक आउटकम होता है इस रिएक्शन का। तो ये प्लांट इस तरीके से अपना खाना बनाता है, जितने भी ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल होता है प्लांट के, वो कोई भी ग्रीन पार्ट हो, ठीक है। तो इस तरीके से सनलाइट और CO2 और H2O मिलके, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ओके। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसके आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें गैस का आना और जाना, और दूसरा वाटर का पूरे पार्ट्स तक पहुंचना, वो होता कैसे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ प्लांट ऑब्टेन CO2, CO2 कैसे ऑब्टेन करता है। तो जो प्लांट के जो आपके लीफ होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, ओके। उन लीव्स के अंदर क्या होता है, आपके स्टोमेटा होता है कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये एक स्टोमेटा है। अब ये स्टोमेटा के यहाँ पे गार्ड सेल्स होती है जो कि ग्रीन पिगमेंट कंटेन करके दिखती है, जिनको हम बोलते हैं क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। अब जैसे सनलाइट इनके ऊपर आती है तो सनलाइट आने की वजह से ये ओपन हो जाते हैं, ओके। जब ये ओपन हो जाते हैं तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, तो ये इसका प्रोसेस होता है। अब ये जैसे सनलाइट जाती है तो श्रिंक कर जाते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना आना बंद हो जाता है। अब आते हैं वाटर कैसे पूरे पार्ट तक पहुंचता है। तो वाटर को पहुंचाने के लिए हमारे पास में, प्लांट्स के पास में एक चीज होती है जिसको बोला जाता है जाइलम, ओके। हमने 9th क्लास में देखा था, प्रीवियस क्लासेस में हम देखते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जाइलम, जाइलम एक तरीके का टिश्यू होता है। ये काम करता है, जाइलम को जल से रिलेट करके याद रखो कि पूरे प्लांट में जल को पहुंचाने का काम करेगा, ओके। तो ये आपका हो गया कैसे CO2 और वाटर पहुंचता है। आगे चलते हैं हम कि फोटोसिंथेसिस होता किस जगह पे है लीफ के। तो हम बोल सकते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि जो लीफ का कौन सा पार्ट होता है। अब ये एक लीफ का क्रॉस सेक्शन है, मतलब ऐसे लीफ थी, इसको ऐसे काट दिया यहां से, ठीक है, और इसको ऐसे तिरछा दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है। अब लीफ का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं, और ये बीच का पार्ट होता है जो कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। यहां पे गैसेस आती हैं और यहां पे ये ग्रीन कलर के आपके क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये क्लोरोफिल और इनका मिक्सचर बनके क्या बनाता है, आपका रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, फूड बनाता है, किसके लिए, आपकी प्लांट्स के लिए। तो ये हो गया आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि जो कि आपका मेन पॉइंट होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को लोअर एपिडर्मिस, ये प्रोटेक्टिंग लेयर होगी। उसके बाद में बीच में क्लोरोप्लास्ट, दिस इज द बेसिक पार्ट जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, ओके, ये वाला हिस्सा, दिस पार्ट, ओके। इसके बाद में बात कर लेते हैं एक्सेप्शंस। अब हमने देखा कि प्लांट्स सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शन मतलब ऐसे प्लांट जो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, जो कि हेटरोट्रॉपिक होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिचर प्लांट, मतलब कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं तो किससे खाते हैं, और वीनस फ्लाई ट्रैप, नाम से ही पता चल रहा है फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट। ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, इनके जो लीफ होते हैं वो इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनका कोई लीव ऐसे हुआ, ठीक है, ये लीव था, जैसे इंसेक्ट आके यहां पे बैठेगा तो ये लीव हो जाएगा बंद और ये इंसेक्ट को मार देंगे। उसके बाद में ये इस इंसेक्ट से अपना फूड लेते हैं, तो ये एक्सेप्शन होते हैं प्लांट्स में जो कि आपका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट इज योर, अब प्लांट्स का हो गया, नाउ कम टू द पॉइंट इन डिटेल, एनिमल्स। एनिमल्स न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। अब एनिमल्स जितने भी होते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, ठीक है, और भी जितने भी एनिमल्स हो गए, सिंगल सेल एनिमल हो गए, तो ये जो अपना खाना लेते हैं वो तीन तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एनिमल्स सिर्फ घास खाते हैं,
प्लांट्स खाते हैं, जैसे काऊ एक एग्जाम्पल हो गया, इनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस, हर्ब से याद रखो कि दे विल कंज्यूम ओनली ग्रीन ग्रासेस। नेक्स्ट इज कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब ऐसे एनिमल्स जो एनिमल्स को ही खाते हैं। नेक्स्ट इज ओमनीवोरस, ओमनीवोरस का मतलब है ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ दोनों चीजों को ही खाते हैं। तो यहाँ पे तीन कैटेगरीज हो गई कि प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर भी, कि सिर्फ प्लांट्स को खाने वाले, सिर्फ एनिमल्स को खाने वाले और दोनों को खाने वाले। एक का नाम होगा हर्बीवोरस, नेक्स्ट इज कार्निवोरस एंड थर्ड वन इज ओमनीवोरस। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज, अब एनिमल्स दो तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है सिंगल सेल एनिमल हो सकता है मल्टी सेलुलर एनिमल हो। जो सिंगल सेल एनिमल होता है वो कौन होता है, वो आपका एमीबा होता है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर आप एनिमल, हम ह्यूमन बींग्स को देख सकते हो, तो हम एमीबा और सिंगल सेल का और मल्टी सेलुलर ह्यूमन का दोनों का देखेंगे। तो अमीबा किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो सबसे पहले वो इंजेशन करता है, हम लोग भी सबसे पहले इंजेशन करते हैं। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इंजेशन का मतलब होता है फूड का बॉडी के अंदर लेना। दूसरा होता है डाइजेशन, डाइजेशन वर्ड का मतलब होता है उस फूड को सिंपलर वे में डिवाइड करना, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपने लिया उसको स्मॉल सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, जो आपने न्यूट्रिशन लिया उसको पूरी बॉडी तक एब्जॉर्व कर लेना, मतलब बॉडी ने उसको एब्जॉर्व कर लिया। उसके बाद में आता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन वर्ड का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्व किया वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा और यूटिलाइज हुआ। नेक्स्ट होता है इजेशन, इजेशन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो आपने फूड लिया था उसका कुछ ना कुछ वेस्ट तो बचेगा, उस वेस्ट का बाहर निकल जाना बॉडी से। तो हम सबसे पहले अमीबा का डिटेल में देखते हैं, फिर हम एनिमल्स का डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है, तो फर्स्ट थिंग इज अमीबा। तो अमीबा के स्टेप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अमीबा, ये अमीबा हो गया और ये किस तरीके से आपका न्यूट्रिशन लेगा। अमीबा के पहला स्टेप होता है हमको पता, इंजेशन। तो अमीबा क्या करता है, उसके पास में अगर कोई फूड है तो उसको पकड़ने के लिए एक ये हाथ की जैसी स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया फूड को कवर कैच कर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है, जिसको हम इंजेशन बोलते हैं फर्स्ट स्टेप को। जैसे इसने बॉडी के अंदर इसको लिया, फिर ये डाइजेस्ट करना, इसको स्मॉल मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट या सिंपल फूड पार्टिकल में डिवाइड करेगा, जिसको हम डाइजेशन बोलेंगे। उसके बाद में आता है एब्जॉर्प्शन, अब जो फूड पार्टिकल्स थे वो उसको वो पूरी बॉडी तक पहुंचाएगा, पूरे साइटोप्लाज्म में पहुंचाएगा, क्योंकि ये सिंगल सेल एनिमल है। उसके बाद में क्या होगा, एसिमिलेशन, अब जो न्यूट्रिशन उन्होंने ले लिए उसकी वजह से ये ग्रो करेगा, यूटिलाइज करेगा उस सेल के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स उन्होंने लिए हैं। उसके बाद में आएगा जो फूड पार्टिकल्स हैं वो जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, बचे हुए फूड पार्टिकल उसको वो बाहर निकाल देगा बॉडी से, उसको बोलते हैं हम इजेशन। तो ये अमीबा स्टेप लेता है, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स अमीबा के अंदर होते हैं। उसके बाद चलते हैं हम एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स किस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। तो ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है ह्यूमन बींग के अंदर, सबसे पहले शुरू होता है माउथ से, ठीक है। माउथ के अंदर होते हैं दांत, ओके। जैसे ही हमने मुंह से अपने खाने को लिया, जैसे हमने मुंह से खाने को लिया तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमने पहला स्टेप होगा खाने को माउथ या बकल कैविटी में ले जाना, और उस बकल कैविटी में ले जाके दांतों से ब्रेक डाउन करना। तो फिजिकल डाइजेशन तो हो गया आपके बकल कैविटी से स्टार्ट। देन हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर से आपका एमाइलेज निकलता है, ठीक है, और वो लाइपेज, ओके, लाइपेज निकलता है। वो लाइपेज क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसको मुंह में ही ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा। अब जो यहाँ से पहला स्टेप हो गया फिजिकल ब्रेकडाउन, दांतों ने तोड़ा, उसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड ने आपका लाइपेज निकाला, जिससे वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का तो यहाँ से शुरुआत होगी पचना। इसके बाद में इसको आप इंजेशन बोल सकते हो। उसके बाद में एसोफेगस, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, इस फूड की नली से आपका स्टमक तक खाना पहुंचेगा। अब स्टमक से डाइजेशन शुरू होता है। अब डाइजेशन में क्या होता है, स्टमक के अंदर जो स्टमक की वॉल होती है उससे तीन चीजें निकलती है, HCl, आपका HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। अब व्हाट इज द वर्किंग ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका काम होता है जो खाने के अंदर बैक्टीरिया उसको मार देना। दूसरा होता है म्यूकस, म्यूकस एक लेयर होती है स्टमक की जो कि एसिड के इफेक्ट से आपके इनर वॉल को, स्टमक की इनर वॉल को बचाता है। और नेक्स्ट होता है पेप्सिन, पेप्सिन
पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, तो प्रोटीन को पचाने का काम शुरू कर देता है पेप्सिन स्टमक में। स्टमक में पचने के बाद में खाना जाता है, यहाँ पे डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्ब होने के लिए जाता है। तो एब्जॉर्ब होने के लिए सबसे पहले वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो रेडियस होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम होती है, लेकिन लेंथ इसकी लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 6.5 मीटर के समथिंग और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 3.4 मीटर के समथिंग। तो हम आगे चलते हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो ग्लैंड्स जुड़ी होती है। पहली ग्लैंड का नाम होता है लिवर, जिसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। लिवर है वो बाइल जूस बनाती है और लिवर के अंदर छोटा सा एक थैला जैसा होता है ये शेप, उसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ओके, वो गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस जो बना है लिवर के द्वारा उसको इकट्ठा करके अपने पास में रखता है। अब क्या करेगा, जब यहां पे खाना आएगा तो बाइल जूस सिक्रेट होगा। बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस के दो बेसिक काम होते हैं। पहला काम होता है फैट को पचाना, मतलब फैट को डाइजेस्ट करना, पचाने को डाइजेस्ट करना भी बोलते हैं। अब डाइजेस्ट करना शुरू करेगा फैट को। अब फैट डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और बाइल जूस का दूसरा काम होता है जो एसिडिक नेचर में आया है खाना उसको बेसिक नेचर प्रोवाइड करना, मतलब न्यूट्रल कर देना। उसके बाद में क्या होगा, आपका पैनक्रियाज का काम शुरू होगा। पैनक्रियाज के अंदर तीन एंजाइम्स निकलते हैं, जिसमें पहला एंजाइम होता है एमाइलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन, तीसरा होता है लाइपेज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमाइलेज, अब एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड करना। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे लाइपेज ने अपना काम शुरू कर दिया था तो इसकी जरूरत क्या पड़ी, सॉरी यहाँ पे आपका एंजाइम सलाइवरी जो बच जाता है, आपका जो एमाइलेज बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को बचाता है तो वो बचाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा ट्रिप्सिन, जितने भी ये सिन होते हैं पेप्सिन ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं, बचे हुए प्रोटीन को ट्रिप्सिन पचाएगा। उसके बाद लाइपेज, लिपिड से याद रखिए लाइपेज, लिपिड मतलब फैट, बचे हुए फैट को जिसको आपका बाइल जूस नहीं पचा पाया था उसको लाइपेज पचाएगा, डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद में क्या होगा, सिर्फ एक काम करेगा लार्ज इंटेस्टाइन आपका, जो कि होता है आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन। जो भी पानी बचा है फूड में मिला हुआ उस वाटर के एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट करेगा कौन, आपका लार्ज इंटेस्टाइन। अब उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होने के बाद में जो खाना है वो इकट्ठा हो जाएगा रेक्टम में। रेक्टम एक प्लेस होता है जहां पे खाना इकट्ठा हो जाता है। अब इस जगह खाना इकट्ठा हो गया, ओके, अब क्या होगा, वो खाना इकट्ठा हो गया और एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया जिसको हम इजेशन बोलते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हो गए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ओके, ये स्टेप्स हो गए। तो इसके आगे चलते हैं हम, जो कि नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, देखिए रेस्पिरेशन वर्ड का मतलब क्या है। रेस्पिरेशन वर्ड का बेसिकली मतलब होता है कि देखो दो चीजें आती हैं रेस्पिरेशन को, लोग रिलेट कर देते हैं सांस से, लेकिन एक तो होता है रेस्पिरेशन, एक होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, इनहेल और एक्सहेल करना, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब इनहेल और एक्सहेल नहीं होता है। तो क्या होता है रेस्पिरेशन का फिर मतलब होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो हमने खाने से कार्बोहाइड्रेट लिया, फूड लिया, और वो फूड और सांस से हमने, मतलब जिसको ब्रीदिंग बोलते हैं, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस को लेना और सांस को बाहर निकालना, और जो इनहेल एक्सहेल से हमने ऑक्सीजन ली, इन दोनों से मिला के हमारी जो सेल होती है, ये आपकी क्या है, सेल, सेल के अंदर ये दोनों चीजें चले गई। अब इन दोनों चीजों के फंक्शन होने के बाद में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं वो बनना, एनर्जी बनना जो हमारे काम के लिए यूज होती है, और वाटर रिलीज होना जो कि आपकी बॉडी में आ जाता है। इस प्रोसेस को, मतलब कि फूड और ऑक्सीजन के मिलने पे एनर्जी बनना, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके, अगला पॉइंट होता है कि ये होता है आपका एरोबिक और एनारोबिक। तो सबसे पहले एरोबिक के बारे में बात करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो एयर की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो, जो कि हम बेसिकली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाया, आपको खाना खाने से क्या मिला, ग्लूकोज मिला। अब ग्लूकोज कहाँ जाएगा, आपके साइटोप्लाज्म में जाएगा, मतलब सेल में चला जाएगा ब्लड के थ्रू, जो कि हम अभी देखेंगे कैसे जाता है। तो ग्लूकोज आपका चला गया कहाँ पे, सेल में, और सेल में होता है प्रोसेस जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। वो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में दो बराबर मॉलिक्यूल्स में टूटेगा। ओके, मतलब ग्लूकोज दो बराबर मॉलिक्यूल्स में टूट जाना, उनको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ओके, अब उनको पाइरुवेट भी बोलते हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम पाइरुवेट बोलते हैं। अब ये पाइरुवेट
ऑक्सीजन जो आएगा उससे रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएगा, सीओ टू एस टू और एनर्जी। जो एनर्जी बनाई है वो एनर्जी कहाँ जाएगी, आपका जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर बहुत सारे फॉस्फेट पड़े होते हैं। अब क्या होता है कि जो फॉस्फेट होता है वो डाइफ की फॉर्म में पड़े होते हैं, एडिनो डाई फॉस्फेट की फॉर्म में, और भी बहुत सारे फॉस्फेट पड़े होते हैं। तो जो एनर्जी बनी है वो एनर्जी एडिनो डाई फॉस्फेट को फॉस्फेट से मिला के एडिनो ट्राई फॉस्फेट बना देती है। और जब भी हमें कोई भी काम करना होता है तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, देन दिस एटीपी विल ब्रेक डाउन इनटू एडीपी प्लस फॉस्फेट और जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। तो दिस इज द ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अच्छा, तो एनारोबिक क्या होता है? एनारोबिक का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो। क्या होता है देखते हैं डिटेल में, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक तो हमारा हो गया, एनारोबिक को देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो भी मिले, पाइरुवेट मतलब ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म पाइरुवेट भी बने, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस हो या कमी हो, तो फिर जो बनेगा वो आपका या तो होगा एथेनॉल। ओके, जैसे कि हमने कोई भी ईस्ट लिया और ईस्ट लेने के बाद में जैसे आप बोल सकते हो कि पुराने जमाने में कच्ची दारू जो बनती थी वो इसी प्रोसेस के वजह से बनती थी। क्या होता था, एक मटका होता था, उसके अंदर क्या डाल दिया जाता था, गुड़ डाल दिया जाता था जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा ईस्ट डाल दिया जाता था और ऊपर से बंद कर दिया जाता था। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गई कि वहां पे कोई ऑक्सीजन है नहीं, अब वो सड़ेगा। सड़ेगा मतलब ये जो गुड़ डाला उसके अंदर ये ईस्ट उनको किसमें तोड़ेगा, पाइरुवेट में। ओके, और पाइरुवेट में तोड़ने के बाद में ऑक्सीजन तो होगी नहीं, फिर वो बन जाएगा एथेनॉल में। अब ये एथेनॉल वही होती थी जिसको हम कच्ची दारू बोल सकते हैं। ओके, जिसको यूज करते हैं लोग पीने के लिए, तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये कैसे होता है उसको देखेंगे। तो ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से होता है। कहाँ होता है सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमने कोई भी रनिंग की या हार्ड एक्सरसाइज की तो हमारे मसल्स में पेन होता है, क्रैम्प आ जाता है। अब मसल्स के क्रैम्प और पेन का वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है ये लैक्टिक एसिड। कैसे बना, यहां से शुरू करते हैं। खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट मिला, साइटोप्लाज्म में गया, पाइरुवेट बना। अब हर मसल तक ऑक्सीजन बराबर पहुंच नहीं पाती है, देन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन दिस पाइरुवेट विल कन्वर्ट इन टू दिस लैक्टिक एसिड। ओके, दिस इज द फॉर्मुला ऑफ लैक्टिक एसिड, CH3CHCOOH और यहाँ पे OH, ठीक है। और लिटिल बिट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी, ये जो एनर्जी बनेगी एनारोबिक में बहुत कम होगी, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। ओके, अब इसके आगे चलते हैं जिसका नाम होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स करते हैं आपके, प्लांट्स रेस्पिरेशन पहली बात तो करते ही क्यों है, प्लांट्स को रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, वो मूव नहीं करते, उनको एनर्जी की जरूरत नहीं है। जिसको एनर्जी की जरूरत नहीं है उसको रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ग्रो तो करते हैं ना, तो थोड़ी तो एनर्जी उनको चाहिए ही चाहिए। अब वो थोड़ी एनर्जी के लिए थोड़ा ऑक्सीजन भी लेंगे। अब वो थोड़ा ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, जो उन्होंने ऑक्सीजन बनाया एक तो उनसे ले सकते हैं, या फिर रूट्स जो होती हैं वो सॉइल से ले सकती हैं, स्टेम जो है वो आपके लेंटिकल्स से ले सकते हैं, और लीव्स तो स्टोमेटा से लेती ही है। तो इस तरीके से आपके रेस्पिरेशन प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आता है, जो कार्बोहाइड्रेट उन्होंने बनाया उसको ही वो यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये तो प्लांट्स के अंदर आ गया, दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। अब आते हैं हम एनिमल्स के अंदर थोड़ा डिटेल में। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स मतलब कि जो डिफ्यूजन है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एनिमल्स की बात करें तो वो तो प्रोसेस था एक सेल का, अब यहाँ पे पूरे एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। तो एनिमल सिंगल सेल हो सकते हैं, मल्टी सेल हो सकते हैं, तो सिंगल सेल से हम शुरू करते हैं। जैसे कि एमीबा, आपका जो एमीबा है वो किस तरीके से, एमीबा एक सिंगल सेल एनिमल है, तो वो अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मतलब कि अपनी सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू ही ऑक्सीजन को लेगा, रेस्पिरेशन करेगा और सीओ टू को बाहर निकालेगा। दूसरा आता है एनिमल्स लाइक अर्थ वर्म, जो अर्थ के अंदर रहते हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट सीओ टू को अपनी स्किन के थ्रू लेते हैं। ओके, स्किन के थ्रू लेते हैं और सीओ टू को स्किन के थ्रू ही रिलीज करते हैं। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं और कहाँ से रिलीज करते हैं, देखिए वो लोग उनके एक ऑर्गन होता है जिसको हम गिल्स बोलते हैं, वो अपने गिल्स के थ्रू पानी में डिजोल्व मतलब ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के लिए रेस्पिरेशन के लिए वो लेते हैं। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद में आते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स मतलब मच्छर मक्खी, वो लोग कैसे लेते हैं, उनके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके पोर्स के थ्रू वो ऑक्सीजन का लेना सीओ टू का छोड़ना करते हैं। अब आते हैं हमारे ऊपर एनिमल्स, हमारे हम जो होते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया। अब ये फ्रॉग एक थोड़ा एक्सेप्शन है, वो लंग्स से भी लेता है
और वो कभी स्किन से भी लेता है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी एनिमल है जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गए, वो लंग्स से ही सांस को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। अब वो लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बीइंग के लंग्स के बारे में, तो चलते हैं। तो ये होता है आपका लंग्स, ये दोनों है आपके लंग्स। अभी इनको डिटेल में देखते हैं ये किस तरीके। जो आपका यहां से देखो शुरुआत कहां से होगी, नोज से, नोस्ट्रिल्स जिसको बोलते हैं, यहां से भी सांस जाता है और आपके माउथ से भी सांस जाता है, ठीक है, नेजल कैविटी और माउथ कैविटी से भी। ये दोनों जहां पे मिलते हैं उनको हम फेरिंग्स बोलते हैं, ओके। इसको हम फेरिंग्स, जिस जगह पे माउथ कैविटी और नेजल कैविटी मिलती है, दिस प्लेस इज नोन एज फेरिंग्स। उसके बाद में क्या होगा, आपकी माउथ कैविटी तो अलग चली जाएगी डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन यहां पे ये आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया क्या करेगा, उस ट्रैकिया के ऊपर वो एक चीज होती है जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स, ओके। तो लंग्स से जुड़ा होता है वॉइस बॉक्स। अब जो ट्रैकिया होगा उसके ऊपर छोटी छोटी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगी जिनको हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलेंगे, ओके, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं, जो कि आपके किसके ऊपर होगी, ट्रैकिया के ऊपर होगी। अब ट्रैकिया आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, इन ब्रांचेस को ब्रांचेस बोलते हैं, देखो ब्रांचेस ब्रांचेस ऐसे याद कर सकते हो आप। उसके बाद में इनके छोर पे मतलब इनके एंड्स पे छोटे छोटे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एल्वियोलीज, ओके। What is the meaning of alveolus? What is the main function of alveolus? The main function of alveolus is the absorption of CO2 and absorption of carbon dioxide, oxygen. मतलब जब यहाँ से हवा आएगी, मतलब ऑक्सीजन आएगी, उसको ये अपनी सरफेस पे चिपका लेते हैं, और जब ब्लड आता है इन लंग्स के पास में वो तो ये ऑक्सीजन को दे देते हैं, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, ओके। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद में जिस पार्ट में रहते हैं उसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के नीचे वाली सरफेस को बोला जाता है डायफ्राम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायफ्राम? डायफ्राम एक ऐसी यू कैन से फ्लेक्सिबल पार्ट होता है जो कि आपके एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है, जो कि सेपरेट करता है आपके रेस्पिरेशन सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम को, ओके। इसके बाद चलते हैं, ये आपका प्रोसेस हो गया था रेस्पिरेशन का कि ह्यूमन बींग्स लंग्स का यूज कैसे करते हैं। अब आपका एनर्जी भी बन गई। अब ग्लूकोज पहुंचता कैसे है, एनर्जी बनाने वाला ग्लूकोज हमारी बॉडी में पहुंचता कैसे है? तो जो भी खाना बना है वो पहुंचेगा कैसे, वो बनेगा पहुंचेगा ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सम अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म विच कैन कैरी द एसेंशियल सब्सटेंसेस टू ऑल इट्स पार्ट सो दैट दे कैन रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ इट्स बॉडी। तो कुछ ऐसे अरेंजमेंट होते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एसेंशियल सब्सटेंस को हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं, तो इनमें कैसा अरेंजमेंट होता है, इनमें कैसा अरेंजमेंट होगा, सबसे पहले हम प्लांट्स के अंदर अरेंजमेंट देखते हैं। अब प्लांट्स को भी हर एसेंशियल चीजें पहुंचानी पड़ती हैं, तो प्लांट्स के अंदर क्या कौन कौन सी दो एसेंशियल चीजें होती है, पानी और खाना, फूड एंड वाटर। तो देखते हैं यहाँ पे फूड एंड वाटर कौन पहुंचाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जाइलम। हमारे प्लांट के अंदर दो टिश्यू होते हैं, जाइलम फ्लोएम और एक ट्रैकीड्स होता है। जाइलम को जल से याद रखो, पानी को पूरे प्लांट तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। फ्लोएम फॉर फूड, एफ से फ्लोएम, सॉरी पी से फ्लोएम और एफ एफ, मतलब आप दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हो, फूड एंड फ्लोएम। और ट्रैकीड हेल्प करता है जाइलम को, ये डेड सेल्स होती हैं जो कि आपकी एनक्लोज होती हैं किसके साथ, जाइलम के साथ में। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, ओके, बोथ आर रिलेटेड विद ईच अदर, ओके। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट तो हो गया प्लांट्स के अंदर, अब एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होने वाला मटेरियल, ये तो देखो इजीली वाटर एंड फूड मिनरल्स पहुंच गए, लेकिन एनिमल्स के अंदर कौन सी चीजें जो ट्रांसपोर्ट होती है, उस चीज को बोलते हैं हम ब्लड, ओके। अब ब्लड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड? ब्लड एक यू कैन से एक लिक्विड होता है, ठीक है, जो कि एसेंशियल चीजों से भरा हुआ होता है, जो चीजें हमारी बॉडी को चाहिए काम करने के लिए, उसको पहुंचाने का काम कौन करता है और कौन सा अरेंजमेंट करता है, उससे पहले हम देख ले ब्लड क्या होता है, वो जो चीज है उसके अंदर क्या क्या होता है। ब्लड के अंदर चार चीजें मेनली होती है, पहला प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होती है। प्लाज्मा क्या होता है, एक लिक्विड होता है ब्लड का जो कि 90% ऑफ H2O से फिल्ड होता है, ठीक है। उसके अंदर प्रोटीन, आपका डाइजेस्टेड फूड, सॉल्ट, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसके अंदर, और ये सब चीजें होती हैं। तो 90% ऑफ वाटर से मिलके बना होता है ये। और जो दूसरी चीज होती है ब्लड में, उसका नाम होता है आरबीसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। ये ऐसी सेल्स होती हैं
जो ऑक्सीजन को कैरी करने का मेन फंक्शन होता है इनका, जो ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है. ओके, लंग्स के पास जाता है, ऑक्सीजन लेता है हेमोग्लोबिन और पूरे बॉडी में घुमाता है. इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है इनके अंदर. और ये इनका लाइफ स्पैन 4 मंथ के करीब होता है और ये बोन मैरो में बनती है. ओके, आगे चलते हैं. डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, जी उनका फंक्शन होता है इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट द आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस से लड़ने के लिए काम करती है. इनको हम सोल्जर ऑफ बॉडी भी बोलते हैं. लेस इन नंबर, ये आरबीसी से कम नंबर में होती है. ओके, और इनकी लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 20 डेज होती है और ये बोन मैरो के अंदर बनती है. नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स का काम बेसिक क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. अब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड से मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी घाव लग गया, वॉन्ड हो गया आपके, देन आपका जो ब्लड फ्लो करेगा उस ब्लड को क्लॉट करने का काम करेगा कौन, प्लेटलेट्स. और ये इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है और ये भी बोन मैरो में बनते हैं. तो ये वो लिक्विड है जो पूरे बॉडी में घूमेगा. अब इसको घुमाने का काम कौन करेगा, उसको बोलते हैं दिल, हार्ट. अब हार्ट कैसे काम करता है उसको देखते हैं. तो ये आपका हार्ट है, ठीक है. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलता है, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम कैसे होता है. तो सबसे पहले लंग्स, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन को लेता है और खून को देता है. तो ऑक्सीजन को इस तरीके से लेगा. अब जो दिल होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं. पहला होता है राइट आरटीएम, दूसरा होता है इधर वाला लेफ्ट आरटीएम, नीचे वाले वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल. शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है लंग्स से. यहाँ से खून जाएगा और हार्ट के पास जाएगा. तो क्या होता है, लंग्स का जो अपर पार्ट होता है वो एक बार एक्सपेंड करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, और नीचे वाले एक बार एक्सपेंड, ऐसे ये ऑल्टरनेट पे एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है. ओके, तो इस तरीके से अपर एंड लोअर एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है. ये 1 मिनट में 72 टाइम्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है. 1 मिनट में 70 बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, 70 से 72 टाइम, ठीक है. अब क्या होगा, लेफ्ट आरटीएम में सबसे पहले यहां से ऑक्सीजन लेके यहां से खून आया और ये कॉन्ट्रैक्ट किया और ये नीचे गया. नीचे जाने के बाद में इधर जाएगा, यहाँ से बॉडी को देगा ऑक्सीजन और CO2 लेगा और खून यहाँ से आएगा और दोबारा से ये नीचे जाएगा और ये इस तरीके से घूमता रहेगा. ओके, अब इनको समझना है. जो भी वेसल्स आपके खून को दिल तक लेके आ रही हैं, अब देखो यहाँ पे दो ही वेसल है, एक ये वाली ला रही है और एक ये वाली ला रही है, उस वेसल को बोलते हैं वेन. ओके, और जो दिल से लेके जा रही है खून को उसको बोलते हैं आर्टरीज. ओके, आर्टरीज बोलते हैं उनको, आर्टरीज बोल दो, ठीक है. अब यहाँ पे डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा कि फंक्शन किस तरीके से. अब जो लंग्स से जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वो वेन हो, उनको पल्मोनरी बोलते हैं, ठीक है. जो लंग से रिलेटेड होती हैं, दिल और लंग के बीच में कनेक्शन बनाती है, उसको पल्मोनरी बोलते हैं. और जो बॉडी और लंग, दिल और बॉडी के बीच का कनेक्शन बनाती है, उसको हम मेन बोलते हैं, मेन वेन, मेन आपका आर्टरी, या फिर मेन वेन को दूसरा नाम होता है वेन से वेना कावा और आर्टरी से aorta, ठीक है. दिस इज द नेम ऑफ द मेन आर्टरी, मेन वेन. ये फंक्शन होता है आपकी हार्ट का. ये 4 चैम्बर होते हैं इसका, और ये आपका कॉलम होता है, ये वॉल्स होती हैं. ये एक साइड ही ओपन होती है, अगर दूसरी साइड ओपन होगी तो ब्लड उल्टा जाने लग जाएगा, जिससे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है. अब आगे चलते हैं, हार्ट बीट को समझते हैं. हार्ट बीट का मतलब मैंने आपको समझाया, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, दिल का धड़कना. तो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हार्ट इज कॉल्ड द हार्ट बीट, जो कि 1 मिनट में 70 बार होता है. ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है वेसल्स में, उस ब्लड की वजह से जो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स के वॉल्स पे लगने वाला प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोलते हैं. दो तरीके का ब्लड प्रेशर होता है, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक. ओके, अब सिस्टोलिक मतलब मैक्सिमम प्रेशर जो प्रोड्यूस किया जा सकता है ब्लड के द्वारा, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, जो कि 120 mmHg होता है. और डायस्टोलिक का मतलब होता है 80 mmHg. ओके, और जिस इंस्ट्रूमेंट से इस ब्लड प्रेशर को यूज करते मेजर करते हैं, जिसका नाम होता है स्फैग्मोमैनोमीटर. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट पार्ट इज, अब खा लिया पी लिया, अब निकालना है, तो जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन. ओके, अब एक्सक्रीशन क्या करता है, एक्सक्रीशन का मतलब जो अशुद्धियां हैं आपके ब्लड के अंदर, उनको एक्सक्रीट करने का काम करता है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन. अब हमारी बॉडी के अंदर 2 RO लगे हुए हैं, जिनको हम किडनीज बोल सकते हैं. अब जो किडनीज होते हैं, उनमें पूरी बॉडी का ब्लड एक बार आता है और साफ होके जाता है. अब फॉर एग्जाम्पल यहां से ब्लड आया किडनी में, साफ हुआ. अब किडनी के अंदर जो भी हुआ वो देखेंगे थोड़ा सा. किडनी के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो साफ कर पाते हैं, किडनी के अंदर होता है आपका
नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, एक किडनी में ऑलमोस्ट 10 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब नेफ्रॉन का काम देखेंगे, सबसे पहले यहां से जो गंदगी वो आपके यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आती है और ब्लैडर से बाहर निकल जाती है बॉडी से, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं नेफ्रॉन के बारे में, तो लेट्स सी अबाउट द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का काम क्या, कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका डर्टी ब्लड आया यहां से, डर्टी ब्लड आके यहां होके देखो ये आपका ब्लड स्ट्रीम है, ये ब्लड था यहां से घूमता हुआ क्लीन होके चला गया। अब क्लीन हुआ कैसे, तो यहां पे एक नेफ्रॉन के अंदर एक ये ऐसे शेप होती है, यू कैन से सी शेप होती है, जिसको हम बोलते हैं आपका बोमिन्स कैप्सूल। बोमिन्स कैप्सूल एब्जॉर्व कर लेता है सब कुछ, सारी गंदगी एब्जॉर्व कर लेता है। उसके बाद में भी जो बची हुई गंदगी है उसको ये ट्यूबुल्स होती है जिनके चारों तरफ आपके आर्टरीज होती है जो कंज्यूम करती है, ओके। दिस इज द मेथड ऑफ नेफ्रॉन, ओके। तो इस तरीके से कंप्लीट क्लीन करके यहाँ से ब्लड निकल जाता है और ये बहुत सारे कनेक्ट होते हैं, इधर नेफ्रॉन और ये इकट्ठे हो जाते हैं और यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है तो क्या होता है, किडनी फेल होने पे क्या होता है, उनको आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड की जाती है जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस, ओके। अब किडनी फेलियर होने की वजह से एक आर्टिफिशियल मतलब कि जो वेन होती है हैंड की उनको कनेक्ट कर दिया जाता है डायलिसिस मशीन से और उसको ठीक कर दिया जाता है। तो दैट वाज द कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।